This is Badhana King from the platform of Creativity Graveyard. Today we are at Al Habib restaurant and the environment looks amazing. It's kind of fine dining thing and शायद हम सबने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है. लेट मी शो यू द एनवायरनमेंट फर्स्ट, कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है. एंड पीपल आर वेलकमिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इन मिडल ऑफ सुपर हाईवे फ्रॉम कराची टू लाहौर. और काफ़ी एक फैमिली ओकेजन हो सकता है, फैमिली के लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट, एक अच्छी जगह हो सकती है. सो लेट्स सी यहाँ पे खाना कैसा है, क्या है, कितना एक्सपेंसिव है, टेस्ट में कैसा है, अच्छा है या नहीं है. और हमारे साथ अब कॉस चड्डी वड्डी तो होते ही हैं. तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज चड्डी वड्डी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी ग्रेवयार्ड एंड ही शंकु फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी ग्रेवयार्ड. नहीं, ये कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है बेचारा हमारा, ये मासूम सा. यस, मैंने आप लोगों को बताया था कि चड्डी वड्डी हमारे के भी बेटा है माशाल्लाह से, तो वो है शंकु. शंकु शंकु ये हमारे फ्रेंड है और आज हम मोहम्मद अजीम को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे एक बेस्ट फ्रेंड है. हाँ, तो हमारे पास चार लोगों की कंपनी है और अभी हम लोग आए हुए हैं अल हबीब रेस्टोरेंट. तो अभी तक कैसा आप? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. अभी देखो सन्नाटा हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा कम लोग हैं. एक बात याद रखिए, अब रात की बात पता लगी कि यहाँ शीशा भी मिल रहा है. हाँ, विच इज़ इंटरेस्टिंग कि शीशा मिल रहा है कराची में. तो काफ़ी ब्रांड है, आई थिंक कराची से बाहर है तो इस तरह से आई थिंक कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, बट ये कराची के दूर में आता है. लेकिन ये कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बाकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा की हुई है, स्टाइल बहुत अच्छा. ढाबे का भी बनाया हुआ है और प्राइवेट रेस्टोरेंट के अंदर भी बनाया हुआ है. हाँ, एक फाइन डाइनिंग का भी दिया हुआ है और ढाबे का भी दिया, बट मैं ढाबे तो नहीं कहूँगा, इट्स प्रॉपर फाइन डाइनिंग प्लेस और फैमिली रेस्टोरेंट है. आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी फैमिलीज आ रही हैं, बट यस, तो एक वडेरा किस्म का और बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा भी लग रहा है, हाइजीनिक भी लग रहा है. अब आगे देखते हैं क्या इसके अंदर होता है, ठीक है. बट ओवरऑल अब तक जब से हम बैठे तब से तो अच्छा लग रहा है, बाकी तो फिर खाने के बाद ही पता लगेगा. जी बिल्कुल. सो वेट एंड वॉच, क्या देखते हैं आगे क्या बनता है. चार कढ़ाइयाँ हैं और तीन किस्म की वो है हांडियाँ हैं. स्टिल ये मोटा काफ़ी खा पी के भी कहता है कि कम है. सॉरी, आपको बाहर जाके तो भी ज़्यादा खा लो. नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरी सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं. खाना इसी मशीन करा दे. नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हमारे माशाल्लाह खाता पीता है, हमारा टाजन है. देखें आप चेक करें, मैं अपने साथ काफ़ी बंदोबस्त करके आया हूँ कि मुझे सर्दी ना लगे और ये सब ऐसे ही उठ के आए, इनको कोई अंदाज़ा नहीं है. हम देख सकते हैं हम शंकु को भी काफ़ी चीज़ें पहना कर लाए, हमारे शंकु को ये देखिए. शंकु जो है ना वो बच्चा है, इसको इस तरीके से रखना कंपलसरी है. लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम जून जुलाई की गर्मियों के अंदर भी स्वेटर पहन के घूमते हो, ठीक है. तो यहाँ ऑब्वियसली बात है कि तुम अंदर टी शर्ट, बनियान, इसके बाद शर्ट, फिर जैकेट, फिर इसके बाद शॉल, वो मतलब आराम से ज़्यादा इन्होंने सामान लिया हुआ अपने साथ. नहीं, इसको बोलने का बहुत शौक है और मैं इसको पूरा मौका देता हूँ बोलने का. आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स में सबसे ज़्यादा यही बोल रहा होता है. और आज भी मैं ही क्योंकि इसको पसंद नहीं आ जाता अगेन. और मैं आपको ये दोबारा प्रूव करूँगा कि मैं ही खिला रहा हूँ. जी हाँ, सही कह रहा है, यही खिला रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जहाँ मैं ले जाता हूँ वहाँ व्लॉग बनते नहीं हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एंड अगेन फिर मैं कहूँगा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और खाने का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट कि यहाँ पे आप आएँ, खाना खाएँ और इन्जॉय करें. हमारे साथ और लोग भी हैं लेकिन उस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है हमें कि हम नहीं दिखाएँ उन लोगों को, तो भी उन लोगों को हम नहीं देखते हैं, नहीं दिखाएंगे. और बाकी दो तीन कढ़ाइयाँ तो हमारे चड्डी बड्डी के लिए आई हैं, ख़ास तौर पर स्पेशल मखनी और पता नहीं क्या क्या. सो Thank you.
पापा ने कहा बोला था हाँ ओ डाउ डाउ करो बाबा को डाउ 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं 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 बस 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 हो गया हो गया हो गया नहीं है पुआ गुजी 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 ये देखो शंकु उम्मीदों गुड्डा ओए मीला गुड्डा बाबा को डाडा करो डा 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 अच्छा इन्हें इन्हें करो ने खाना कैसा होगा कि इतना खर्चा जो है इज इट वर्थ इट और नॉट ये जी हैव सम रायता हैव सम ककुम्बर वी कैन डे द चाय खाना काफी देर से ऑर्डर किया अभी तक नहीं आया वाला का दिमाग खराब हो गया शायद इस वजह से कोई बात नहीं आ जाएगा सही हो जाएगा फॉर यू तुम्हारे साथ आएंगे तो यही होगा ककड़ी खाने खाना ऑर्डर किया आई होप कि जल्दी आ जाएगा पीछे दो लड़के बैठे ना हमारे उन्होंने दूसरे को इशारा किया है कि ये नफसियाती है क्योंकि जब से आए ये अजीब अजीब बरकत कर रहा है मसला ये है कि व्लॉगिंग और व्लॉग बनाना इट्स नॉट ईजी खर्चा भी और काफी ना बंदा अपना एंजॉय करे ना कुछ कर सके अगर वॉशरूम भी आकर देख कर आ जाएगा हबीब का तो चलो भाई वीलॉग बना ले नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी टाइम देना चाहिए वीलॉग वीलॉग और क्या कहते हैं व्लॉगिंग करना ये सब करना एक्चुअली वीडियो बनाना इट काइंड ऑफ अ रिस्की एंड जो फैमिलीज आई हुई होती है लोग आए होते हैं वो काफ़ी सस्पिशियस तरीके से इस चीज़ को देख रहे होते हैं तो एक काफ़ी इट्स नॉट ईजी टू मेक मतलब पब्लिकली आई मस्ट सैल्यूट बोथ पीपल जो बना रहे हैं नहीं पी सकता भाई पब्लिकली रेस्टोरेंट और ऐसी जगहों पे नॉट दैट डिफिकल्ट
ड्रिंक का ऑर्डर कौन लेगा? कौन कौन सी आपके पास? काकोला है भाई, किसको जो जो पीने बोल रहे? एक दो पैसे पहले शुरू करें जनाब। So we just had up. So अभी हमने खाना खाया और I must say it was amazing. चड्डी बड़ी खुश हुआ। मैं चड्डी बड़ी खुश हुआ तो इसका मतलब ये है कि खाना वाकई में मजेदार था। तुमने इनको सीक्रेट बताया ना मेरा? सीक्रेट क्या? खाने वाले। हाँ, अगर चड्डी बड़ी को खुश करना है तो क्या? आज मैं दोबारा आपको फिर से याद दिला देता हूँ, हमने अपने आगा खान के व्लॉग में बताया था कि हमारे चड्डी बड्डी इज अ शेफ, प्रोफेशनल शेफ, और नहीं फिर इधर ही सही रखते हैं, इधर प्रोफेशनल शेफ, इन्होंने कोर्स किया हुआ है बकायदा इस बारे में। तो किया पेप्सी की हम एडवर्टाइजिंग नहीं, मैंने पेप्सी दिखाई नहीं, तुमने बोल दी। तो सही, आपके फाइनल रिव्यूज क्या है जनाब? मुझे बहुत अच्छा लगा, बट एक बात है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप बाहर जो ढाबा टाइप बना हुआ है वहाँ ना बैठें। बेहतर आइडिया ये होगा कि आप फाइन डाइनिंग के अंदर बनी हुई है वहाँ पर जाके बैठें। हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ इन्वायरमेंट इस तरीके का बना हुआ है कि लोग शीशे के लिए ज़्यादा इस जगह को यूज़ कर रहे हैं शीशा पीने के लिए, बाकी यहाँ कपल्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, छड़े ज़्यादा बैठे हुए हैं, लड़के ज़्यादा हैं, सॉरी। तो इस वजह से हमारी फैमिली थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी, इवन अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, और आई थिंक दिस इज नॉट अ इशू एक्चुअली। आपको अगर है, आप अपनी फैमिली, मतलब मैंने ये आइडिया दिया कि अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ बना, तो आप बाहर एंजॉय करें, जगह बहुत अच्छी है, जगह अच्छी है, खाना अच्छा है, पैसे अगर मैं बात करूँ, हाँ इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, बट तकरीबन, बट अगर आप 6 मंथ में एक बार या हाईवे की तरफ अगर आ रहे हैं तो कभी कभी कोई मसला नहीं है। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। तो दिस वॉज आर रिव्यूज फॉर अल हबीब रेस्टोरेंट सुपर हाईवे कराची, एंड आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको इसी किस्म की बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म के व्लॉग्स देखते रहने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं यूँ इस वजह से कह रहा हूँ, मुझे गाने लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसके अलावा अगर आप लोग कोई बताना चाहते हैं कि हम वहाँ पे भी किसी और रेस्टोरेंट और जगह पे जाएं और अभी लॉन्ग बनाएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच। और एक बात और, सैटरडे को मैं एक न्यू व्लॉग बनाऊंगा अकेला, वहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, वो सरप्राइज है। ओह, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़।